मैंने देखा है कि सालों साल लोगों को एक ही पोजीशन पर फंसे हुए, वो फैमिली डिस्प्यूट जो उनका सालों से चल रहा है, अभी भी चल रहा है, क्योंकि जो छुटकारे के लिए कदम उठाने जाने चाहिए वो कदम को नहीं उठा रहे। छुटकारा हमेशा उन कदमों को उठाने के लिए बोलता है जो आपकी स्पिरिट में आते हैं पर आपके लिए अनकंफर्टेबल हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे कंफर्ट जोन से बाहर की चीज है, लेकिन याद रखो जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर प्रभु की सेवा, प्रभु का काम और प्रभु को मानेंगे, कई बार उस छुटकारे का टेस्ट आप नहीं कर सकते जो सचमुच परमेश्वर ने नेक्स्ट लेवल का आप लोगों के लिए रखा हुआ है। एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपको कंफर्टेबल लगे चाहे ना लगे, आप असहज महसूस करें उस बात को पूरा करने के लिए, लेकिन उसके पीछे आपका एक ग्लोरियस छुटकारा आपकी वेट कर रहा है और परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि आप उस छुटकारे में एंटर कर सकें।